आज हम डिस्कस करेंगे बीम। ठीक है, तो पहले हम जान लें कि बीम होता क्या है। बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेंबर जो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक, अगर स्ट्रक्चरल मेंबर वर्टिकल होगा तो उसे हम कॉलम बोलेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह हम बीम को बोल सकते हैं। बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर यूज फॉर बियरिंग लोड। ठीक, इट इज टिपिकली यूज रेस्टिंग, क्या रेस्ट करेगा, वर्टिकल लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये किस टाइप का है, स्ट्रक्चरल मेंबर है जो यूज फॉर बियरिंग लोड, रेस्ट करेगा आपको वर्टिकल लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो इस तरह अगर हम बीम को क्लासिफाइड करें तो टाइप्स ऑफ बीम, तो बीम को क्लासिफाई किया गया है। ठीक, तो देखा जाए अगर बीम क्लासिफाई किया, अगर मैंने 3 क्राइटेरिया है, तो अगर बेस्ड ऑन ज्योमेट्री देखें, तो ज्योमेट्री के बेस पे अगर हम देखेंगे तो आपका बीम स्ट्रेट बीम होगा, स्ट्रेट बीम होगा पहला, कर्व बीम, टेपर्ड बीम, और अगर शेप के बेसिस पे देखें, शेप के बेसिस पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो सकता, आई बीम हो सकता है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, आई होगा, सी, आई का मतलब किस टाइप का बीम होगा, ये अगर देखें तो हमें ये शेप आपको मिलेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसका आई शेप का मिलेगा। ठीक है, और अगर टी का शेप देखें तो हमें ये मिलेगा टी शेप का बीम, और सी शेप का बीम देखेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जिस शेप का यूज करना होता है उस शेप का हम यूज करेंगे। ठीक है, वो अपने रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। तो अगर ज्योमेट्री के बेसिस पे देखें तो हमारा स्ट्रेट बीम है, कर्व बीम है, टेपर्ड बीम है, और अगर क्रॉस सेक्शन के एरिया पे देखें तो वो भी ज्योमेट्री में ही आएगा, एक आई बीम होगा, एक टी बीम और सी बीम। ठीक है, बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम देखें अगर, ठीक है, इक्विलिब्रियम के बेस पे देखा जाए तो देखिए कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन सेकेंड टाइप, स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम, फॉर स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन एलोन कैन बी यूज सॉल्व रिएक्शन। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम में हम सॉल्व करते हैं रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ठीक, और अगर हम ये बेस्ड ऑन सपोर्ट, ये मेरा मेन आपको हमें डिस्कस करना है सपोर्ट पे, तो सपोर्ट के बेसिस पे देखो तो हमारा सिंपली सपोर्ट बीम होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या है, अगर हमारा बीम है दोनों एंड पे अगर हम उसको सपोर्ट दे दें तो इसे हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। इस टाइप का मतलब उसके दोनों एंड पे हम सपोर्ट देंगे। ठीक है, कैंटिलीवर ये आपका हुआ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, हमें इसी पर डिस्कस करना। दूसरा आपका कैंटिलीवर, कैंटिलीवर में क्या होता है, आपका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड एयर में फ्री होता है, देखिए फ्री है। ओवर हैंगिंग बीम, आपको केवल फिगर ही ड्रा करना है। ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग का मतलब क्या, हैंग का मतलब लटका हुआ, मतलब ऐसा बीम जो एयर में लटका हुआ हो, हैंग मतलब लटका हुआ है। देखिए अगर दोनों एंड पे सपोर्ट नहीं देंगे, कहीं हम बीच में सपोर्ट दे देंगे, मान लीजिए इधर पे सपोर्ट है, इधर लोअर, अब देखिए इतना ये पोर्शन आपका एयर में हैंग किया हुआ है, ये इधर ही देखिए ये हैंग किया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के बीम को ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस बीम का मतलब क्या है, जो लोड हम अप्लाई करेंगे
वो हम कॉन्टिन्यूस अप्लाई करेंगे। जैसे ये है, ये सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन हर पॉइंट पर अगर लोड अप्लाई कर दें तो इस टाइप के बीम को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस बीम। ठीक है, ठीक, कॉन्टिन्यूस। इसके बाद फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम का मतलब क्या है, दोनों एंड आप इसको फिक्स कर दीजिए। इस टाइप के बीम को हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम। ठीक है, ये फिक्स्ड बीम है। ठीक, तो मेन हमें सपोर्ट के बेसिस पे ही स्टडी करना है कि हमारे बीम कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर है, ओवर हैंगिंग है, कॉन्टिन्यूअस है और फिक्स्ड बीम है। ये हो गया सपोर्ट के बेसिस पे। अब इसको डिस्कस किया गया है, देखिए नीचे जो मैं बताया हूँ वही है फिगर, देखिए। तो सिंपली सपोर्टेड बीम, देखिए लिखा हुआ स्टेटमेंट देख लीजिए ध्यान से। इसके एंड पे ही सपोर्ट दिया गया है, देखिए। ठीक है, एक तरफ पिन सपोर्ट हो सकता है, रोलर सपोर्ट हो सकता है, दोनों तरफ रोलर सपोर्ट हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। बस डिफिनेशन लिखा गया है कि विकेट पे आपका रोलर सपोर्ट दिया, एक तरफ पिन सपोर्ट दिया, कोई जरूरी नहीं, आप दोनों तरफ रोलर सपोर्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और रोलर में हमेशा वर्टिकल रिएक्शन होता है, देखिए। ठीक, कैंटिलीवर आप देख लीजिए, कैंटिलीवर में क्या बताया था, एक एंड आपका फिक्स होता है, दूसरा एंड एयर में फ्री होता है। इमेज देखिए बिलो ये दिया हुआ है कैंटिलीवर बीम का, जिस एंड पे फिक्स होगा वहाँ पे आपका एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा और मोमेंट होगा, देखिए यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो लोड होगा इसको बैलेंस करेगा, ये पोजिशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, ये वर्टिकल वाला वाई एक्सिस में बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स में, और मोमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी मोमेंट डेवलप होगा बीम में उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये देखिए ओवर हैंग बताया था, एयर में हैंग होगा, देखिए हैंग है, कंटिन्यूअस बताया था, कंटिन्यूअस आपको सपोर्ट दिया गया है या लोड लगे, देखिए कंटिन्यूअस सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, मोर देन टू सपोर्ट होगा। ठीक, और फिक्स में बताया था बोथ हेड फिक्स कर सकते हैं, देखिए आपको मैं समय दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। फिक्स बीम का स्टेटमेंट, बोथ हेड फिक्स है, कंटिन्यूअस देखिए, मैंने वहाँ ऊपर से दिखाया था, कोई जरूरी है क्या हमेशा सपोर्ट नीचे से दिया जाए, ऊपर से भी सपोर्ट दे सकते हैं। तो जब सपोर्ट देंगे, मैंने आपको वहाँ फोर्स बताया था, ये जो सपोर्ट लगेगा वहाँ रिएक्शन ही तो आएगा, तो वो भी एक तरह से फोर्स ही तो है। ठीक है, देख लीजिए ओवर हैंगिंग में, देखिए ठीक है। तो सपोर्ट के बेसिस पे हमारे पांच टाइप के बीम होते हैं। ज्योमेट्री के बेसिस पे देखेंगे तो हमारा उसमें भी चार टाइप से हमने डिसाइड किया था, टेपर्ड था, स्ट्रेट था, आपको याद होगा, देख लीजिए टेपर स्ट्रेट कर्व बेस ज्योमेट्री। अगर जो क्रॉस सेक्शन के बेस पे देखेंगे तो सी आई और टी क्रॉस सेक्शन एरिया था। ठीक है, और बेलन कंडीशन पे तो हम केवल रिएक्शन और मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है,
मेन हमारा सपोर्ट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ बीइंग है, ठीक है। चलिए जब भी पेपर में पूछेगा अब इस तरह से ड्रा करिएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड यहाँ बीम कर दीजिए, कैंटिलीवर बीम, ओपन हैंगिंग बीम और कंटिन्यूस बीम और फिक्स्ड बीम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप डायग्राम बनाइएगा। अब लोडिंग देखा जाए कि बीम पे किस टाइप का लोडिंग होता है, ठीक है। तो ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ लोडिंग की बात किया जाए तो बीम पे थ्री टाइप्स के लोड अप्लाई किए जाते हैं। एक है आपका पॉइंट लोड, उसका दूसरा नाम है कंसंट्रेटेड लोड, मतलब एक किसी पॉइंट और किसी पॉइंट पर या फोकस किया जाए, किसी पॉइंट पर लोड अप्लाई किया जाए। दूसरा है यूडीएल या यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये लेंथ में मतलब इस लोड का बिखराव होगा लेंथ में, ठीक है, ठीक है। और वीडीएल यूनिफॉर्मली, और वीडीएल का मतलब वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिएंट लोड, दोनों नाम हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं तीन टाइप लोड, पहला है कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। इस टाइप के लोड में हम किसी पॉइंट पे लोड अप्लाई करते हैं, जैसे ये हमारा बीम है, सपोज करिए ये सपोर्ट एक इधर से लगाया गया, एक सपोर्ट इधर से लगाया गया, तो इस पे हम किसी पॉइंट, देखो ये कोई एरिया कवर नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के लोड को हम बोलते हैं पॉइंट लोड, ठीक। देख लीजिए फिगर, देखिए, ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म ये इंटायर लेंथ पे इस लोड का बिखराव, एक समान लोड का यूनिफॉर्मली है ना, देखिए ये फिगर देखो, एक समान लोड है, जगह हाइट देखो सेम है, कुछ बुक बुक में ऐसे भी बना दिया था यूडीएल को, ठीक है। जब भी हम रिएक्शन फाइंड आउट करना हो, प्रॉब्लम में यूडीएल या यूवीएल दिया हो, यूवीएल मतलब वीडीएल, तो उस समय सबसे पहले हम यूडीएल और वीडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको फिर कैलकुलेशन पर्पस में यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, थर्ड देखिए यूवीएल या यूनिफॉर्मली वेरी गुड या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों देखो एक समान हर पॉइंट पे आपका लोड की वैल्यू चेंज होती है, यूनिफॉर्मली वेरी है लोड, ठीक है। इस टाइप के लोड को बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दोनों नाम है, या तो हम यूडीएल लिखें, यूडीएल हम लिखें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूवीएल, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। या वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वीडियल भी बोलते हैं इसको, तो दोनों नाम से भी आपको पेपर में आता है, सबसे पहले भी दिया और एक सफर उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे ये तो हमारा हो गया, अब हम अगर एक प्रॉब्लम है टाइप्स ऑफ लोड और डिफरेंट टाइप ऑफ बीम, तो सपोर्ट तो हमारे तीन टाइप के होंगे, फिक्स सपोर्ट होगा, रोलर सपोर्ट होगा, और देखिए पेज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट। पेज सपोर्ट में हमारा क्या होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है और एक रोलर सपोर्ट, तो आपको फिगर में ऐसे दिखेगा, प्रॉब्लम में ये होगा, चाहे ऐसे बना हो, ये हमारा फिक्स सपोर्ट है। रोलर में हमारा ऐसे फिगर में दिया होगा तो भी रोलर है, ऐसे दिया है तो भी रोलर कहे है, या ये कोई भी फिगर हो सकता है, आपको रोलर दिखेगा,
इसमें केवल वर्टिकल ही होता है, और या फिर सपोर्ट में आपका एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। इतने टाइप को तो आपका टाइप्स ऑफ बीम हो गया, टाइप्स ऑफ लोड हो गया और टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को ही कंप्लीट करते हैं।